यो जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम अनट्रोड कॉन्सेप्ट होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन प्रीवियस आप लोग की जबरदस्त चल रही होगी तो जो हमारा एसएसटी चल रहा था हिस्ट्री चल रहा था फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9 फॉर आरएमएस क्लास 9 आरएमसी सीएचएस जेएनवी नॉर्मल स्कूल का है बोलो या कोई भी एग्जाम बोलो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है चाहे बड़ा एग्जाम भी होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है ठीक है पर मेनली आपको पता है कि सैनिक स्कूल क्लास नाइन वगैरह के लिए सारा मेनली हम लेके चल रहे हैं राइट तो देखो भाई मैं आपसे कई बार बोला कि हम पे दो ऑप्शन है पढ़ने के या तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा तो एक एक लाइन के हाँ भाई कि ये बैटल कब हुई थी ये बैटल कब हुई थी इस बैटल में कौन जीता था ठीक है तो वो आपको सही लगेगा ले लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल फिर मजा नहीं आएगा चीज को आपको रटने पड़ेंगे और जिस टाइप से स्टोरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है स्टोरी टाइप की आपको याद हो रही है ठीक है जैसे कि आपको रिस्पॉन्स भी सही आ रहा है कि हाँ सर मजा आ रहा है ठीक है तो लास्ट क्लास में गए जो हमने छोड़ा था हिस्ट्री में कहाँ छोड़ा था हमने हमने क्या करा था मुगल एम्पायर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था लास्ट में औरंगजेब पे हमने छोड़ दिया था कि औरंगजेब लास्ट में अगर हम उसके डेट देखें तो सेवन 1907 में आया था औरंगजेब ठीक है तो यहाँ से कंटिन्यू चलता जाता है फिलहाल हल्के फुलके जो दो चार आए होंगे वैसे मैन औरंगजेब तक था बड़ा हैवी ड्राइवर था वो भी ठीक है तो अभी तक लाइक नहीं निकला तो वहां पे लाइक का बटन दिख रहा है उसे आपको लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपके क्या सजेशन है आपको फायदा हो रहा है तो देखो क्या मैं बार बार बोलता हूँ कुछ मत करो लेकिन कमेंट जरूर करो कि सर आपको फायदा हो रहा है कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है जो चीज अच्छी लगती है वो चीज़ बताओ जो नहीं लगती है वो चीज़ तो जरूर बताओ क्योंकि मैंने बोला ये आपका है आपके लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि इसको अच्छे से चीज़ों को करना है ठीक है तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से राइट मेस्ट अच्छा ही चल रहा है ठीक है तो यहाँ से औरंगजेब आया था उसके बाद छोटे मोटे हमने देखा था आए होंगे अब हमें आपको पता है कि जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे उन्होंने 1600 में स्टार्ट करा था आना ठीक है आए तो पहले आए थे ठीक है जो मैं हमने जब वो जहांगीर बोला था कि वो कौन आए थे उसके पास कैप्टन हॉकिंस आए थे थॉमस रो आए थे है ना आ, उससे परमिशन लेना है ठीक है तो उसके बाद सोलह में यहाँ एक कंपनी ब्रिटिश वालों की कंपनी आ गई थी जिसे हम क्या कहते हैं आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं सबको पता ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं ठीक है कहाँ से आई थी ब्रिटिश से आई थी जो अंग्रेज थे सोलह में उन्होंने यहाँ कहीं पे फिफ्टीन

जो पुर्तगाली थे, वो आपको पता है कि 1498 में आपका फेवरेट हमारा फेवरेट आपका प्यारा वास्को डिगामा भारत आया था हर किसी जच्चे बच्चे को पता रहता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था चौदह में आया था क्यों आया था मसालों का व्यापार करने आया था कहां से आया था कैप ऑफ गुड होप एक रूट होता है सी रूट होता है उसे आता है कभी कभी क्वेश्चन ये मतलब नॉर्मली बुक में लिखा रहता था, था कि भारत की खोज किसने करी थी इंडिया की डिस्कवरी किसने करी थी ठीक है तो वो लिखा रहता है गामा ने करी थी पहले पता ही था कहां से जाना कैसे जाना था हैवी ड्राइवर रहा वो भी ठीक है तो फोर्टी नाइनटी एट में आए थे इसके बाद गाय अगर मैं आपसे बात करू किसकी ब्रिटिशर्स की बात करूं ब्रिटिशर अंग्रेज ठीक है ये 1600 सौ मान लो वैसे पहले वो परमिशन वगैरह लेने आए थे ऐसे वो देखने के लिए पर परफेक्ट जो है ना फैक्ट्री वैक्ट्री डाल ईस्ट कंपनी जो डाल दी वो क्या डाल दी 1600 सौ में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था उन्होंने ठीक है इसके बाद अगर मैं आपको डच की बात करूं ठीक है डच आए थे इसमें डच के बाद इसमें सोलह सौ दो में आपके डच मान लो डच आए थे डच के बाद इसमें आपके एक होते थे डेनिस ठीक है यूरोपियन साइड के होते थे डेनिस और एक होते थे आपके इसमें फ्रेंच ठीक है तो जो आपके गाइस जो डेनिस आए थे ये 1616 सो में आए थे एंड ये आए थे, थे आपके सोलह सो में ठीक है तो ये एक रफली मैंने ये याद करने की जरूरत नहीं है ऐसी में जस्ट आपको एक रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको एक मतलब एक डेट एक डेटा हम पे बना रहे सीक्वेंस वाइज चौंसठ में सोलह सौ सोलह सौ दो सोलह 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 चौसठ कहीं पे इससे पहले भी लिखा होगा कंफ्यूज मत होना ठीक है रफ आई ये अब देखो पोर्टुगीज पहले आए थे इसके बाद सोलह सौ में ये आ गए तो यहाँ ये यह सारे के सारे आप देख रहे हो ये यहाँ भारत में राज कर रहे हैं इस टाइम हल्का फुल्का कोई कहीं कर रहा है कोई कहीं कर रहा है अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से सब इंडिया के मजे ले रहे थे उस टाइम ठीक है तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी यहाँ पे होता क्या है कि अब धीरे धीरे हम कहां तक आए थे सत्रह सात से हम आगे थे अब ये रफली मान लो कि सत्रह छप्पन वगैरह में एक इंसिडेंट यहाँ पे होगा हल्का फुल्का सा ठीक है हल्का फुल्का तो नहीं होगा ठीक है इसको अब मैं रफ कर देता हूं ये मैंने आपको आइडिया बता दिया कि ब्रिटिशर्स अच्छे से इंडिया में घुस चुके हैं घुसपैठ उन्होंने कर चुके हैं वो अच्छा उनका चल रहा है इंटेंशन उनका चेंज हो गया है पहले वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे व्यापार करने आए थे लेकिन जब किसी को कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो उसे और लालच आता है कि हाँ यार ये चीज और चाहिए मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए मुझे और भारत को तो उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था है ना इसीलिए ब्रिटिशर्स की नियत खराब हो गई अब वो लूटने में लगे थे पहले वो ट्रेड करने आए थे अब वो लूटने के लूटने में लग गए थे कि उसी थाली में खाया उसी में छेद करने वाली बात वहां पर आ गई थी अब

इस टाइम ये थोड़ी बंगाल के साइड जाते हैं मैंने बोला था ये ये जो मैनली थे ये कहा थे नॉर्थ रीजन में थे नॉर्थ से जरा आप वहां जाओगे वेस्ट में आप चले जाओ ईस्ट में आप चले जाओगे इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा था इस साइड ना वेस्ट बंगाल वगैरह वे उसी साइड तो बंगाल में उस टाइम क्या हुआ करते थे नवाब हुआ करते थे बंगाल के नवाब सुना होगा ना बंगाल नवाब हुआ करते थे और इस टाइम जो यहाँ पे था इनका ये था आपका सिराज उदौला जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हो सिराजुद्दौला कहते हो ना सिराजुद्दौला बहुत फेवरेट नाम है बहुत बेहतरीन ये नाम होता है आपका सिराजुद्दौला ठीक है इसने सोचा कि यार ये साले सालिब्रिटिश ये अंग्रेज हमसे टैक्स हमारे घर आ रहे हैं हमसे हम पे टैक्स लगा रहे हैं कि ये तो अजीब गजब वो पलती है ठीक है चलो देख लेंगे तो इन्होंने बोला कि यार ये हमसे टैक्स अब इन्होंने बोला कि बेटा देखो ऐसा है अब ये टैक्स वैक्स हो गया खत्म ठीक है ठीक है अब चाहिए हमको फुल इज्जत ठीक है अभी टैक्स वैक्स का हटा अब तुम हमें टैक्स दोगे ये जाता है उनके पास बेटा ऐसी बात है जो तुम्हें ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड कर लो कोई दिक्कत नहीं है आपको व्यापार करना है व्यापार कर लो लेकिन जो जो जो, जो यहाँ तुम अपनी मनमानी कर रहे हो ना जो है यहाँ तुम गंदगी फैला रहे हो ना कि टैक्स दो वैक्स दो हमको टैक्स दे भाई है ना तो उसने बोला ऐसा मत करो अब तुम हमें टैक्स दोगे रहने तुम्हारे अब तुम हमें टैक्स दोगे इसने बोला आगे क्या होता है देख लेते लेकिन बहुत बढ़िया करा सिराजुद्दौला हिम्मत तो दिखाई है ना कुछ लोग देखो आपके पास दो ऑप्शन है सुना आपने की या तो पूरे हाथ पाऊ छोड़ दो ठीक है बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो किसी दूसरे के लिए या तो सब कुछ उठा दो तो किसी दूसरे के बिल्कुल तोड़ मोड़ दो वही वाली बात है या तो मरो या तो मारो ठीक है तो सिराजी द्वारा ने बोला चलो अब आप टैक्स दे दोगे उन्होंने बोला अच्छा ठीक है टैक्स चाहिए तुम्हें ठीक है अंग्रेज तो थे बड़े हरा ठीक है उन्हें बोला टैक्स चाहिए ठीक है टैक्स चाहिए ये लो टैक्स टैक्स चाहिए ना ये लो टैक्स बेटल बैटल करो जिसका नाम होता है आपकी बैटल ऑफ प्लेसी प्लासी प्लेसी जो भी कहो बैटल ऑफ प्लेसी जो की होती है आपकी सेवनटीन फिफ्टी सिक्स में किस किसके बीच होती है ब्रिटिशर के बीच होती है ब्रिटिशर्स के बीच होती है और सिराज उदौला के बीच होती है सिराज उदौला के बीच होती है ठीक है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो जाता है सिराज जी हार जाते हैं ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और क्यों जीतते होंगे भले और भी खतरनाक आदमी था क्यों जीतते होंगे कि सिराजौला के जो आर्मी का जो आर्मी का जो उनका कमांडर था नाम क्या था उसका मीर जाफर रहा होगा साहब उसका नाम ठीक है नाम था उसका मीर जाफर वो इन अंग्रेजों से मिल जाता है मीर जाफर क्योंकि उस टाइम होता है ये अंग्रेज ना लालच भी देते थे तो ऑब्वियसली अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको हमें ऐसा ऐसा करना है आपको हम ये चीज दिला देंगे मीर जाफर को क्या चाहिए रहा होगा राज चाहिए रहा होगा कि मैं राजा बन जाऊं ठीक है मैं वहां का नवाब बन जाऊं वगैरह जो भी है वहां पे तो ये अंग्रेज से मिला के ठीक है आप सिराज दौरा को हटाना चाह रहे हो मैं आपका साथ देता हूँ आप मुझे वहां की गद्दी दे दे उन्होंने बोला ठीक है और हमें चाहिए ही क्या ठीक है तो यहाँ पे मीर जाफर इसे धोखा दे देता है अब देखो मेन आर्मी का जो कमांडर है वही हट गया तो आर्मी को कौन हैंडल करेगा कौन कंट्रोल करेगा कौन राय लेट करेगा है ना इसलिए वहां दिक्कत आ जाती है और सिराज वहां से हार जाता है ठीक है सिराज वहां पे क्या आ जाता, जाता है इसके बाद देखो एक चीज करेक्ट करना है पे 57 होगा सॉरी फॉर देट यहाँ पे 57 होगा बैटल ऑफ प्लासी सत्रह में आपकी होती है अब देखो सत्रह से ध्यान से इस चीज को समझना सत्रह से अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये अठारह तक जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो खूब तहलका मचा देते हैं जो मनमानी करते रहते हैं और आपको पता है अठारह अच्छा अच्छा क्या होगा रिवोल्ट होना है जो कि बहुत ही खतरनाक क्लास हमारी होने वाली है। दीरे दीरे है। वाली है 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 धीरे 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 आपको इंटरेस्ट आने वाला आग लगने अभी तो है, ठीक है? ये तो बहुत, ये तो स्टार्टिंग ठीक ये ये बहुत अभी शुरुआत है अभी अंत बाकी है ये तो बहुत थोड़ा है अभी अनंत बाकी है बस थोड़ा टाइम चाहिए एक ही साथ सब कुछ नहीं होता है मैंने बोला मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो सब कुछ कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकता हूँ और आपको दिख भी रहा है इतनी फ्री यूट्यूब पे किसी ने डाली है इतनी कॉन्सेप्टअल क्लास किसी ने डाली है सबको अपनी मार्केटिंग करनी होती है और और कुछ दो चार बच्चे ना कभी आप फालतू तो कमेंट करने आ जाते हैं क्योंकि वो वहां उनके कुछ एक सब्सक्राइबर है ठीक है बहुत बढ़िया है नाम पता ही नाम तो सुना होगा उसका ठीक है हर कमेंट आता है आपकी मुश्किलों में आपके साथ ठीक है तो उन्होंने सही बोला था कि बिल्कुल सर वो उनका डायरेक्टर का बेटा होगा कि है ना वो बार बार कोई एकेडमी है नाम तो क्या ही लेना है उनका ठीक है वो तो हमसे बहुत बढ़िया बोलिए राइट तो बोले कि सर वो डायरेक्टर का बेटा है बार बार उल्टा पुलटा बोलता है कि वो बेस्ट है वो बेस्ट है बेस्ट है भाई हमने कब बोला खराब है हमने कब बोला कि वो खराब है हमने तो बात ही नहीं करी और हमने ना खुद को बोला हम अच्छे हैं हम ना अच्छे हैं ना बुरे हैं या हम अच्छे भी हैं बुरे भी हैं ठीक है डिपेंड ऑन सिचुएशन ठीक है आप कैसा ट्रेड करते हो उस पर डिपेंड करता है चलो गाइस ठीक है तो यहां से सत्तर सौ सत्तावन से अठारह सौ सत्तावन तक ब्रिटिश खूब तहलका मचाएंगे अब वही चीज अब यहाँ पे आपको कई सारी आप मतलब ब्रिटिशर्स से यहाँ पे नफरत भी करोगे इंडियन से भी नफरत करोगे जो मीर जाफर टाइप के लोग हुआ करते जयचंद लोग हुआ करते थे है ना जो की पार, पार्टी बदल लिया करते थे है ना तो वो चीज हम आप देख लेंगे यहाँ पे बिल्कुल देखो गाई ये पूरे क्वेश्चन ही आपके बन रहे हैं ठीक है थीका? जो ये बोल रहा है ना सर क्वेश्चन का है बेटा ये एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है भले मैं एक एक लाइन वाले क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ वो अलग बात है ये एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता जा रहा है जो चीज ये चीज समझ गया ना जो लड़का ये चीज समझ गया उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली बस जिसको चाहिए कि सर मुझे

कि भाई सिराज को हटाओ मीर जाफर को लगाओ मीर जाफर आ गया मीर मीर जाफर खुश हो गया वो, वो चौड़ा होकर गद्दी में बैठ गया चौड़ा होकर वो गद्दी में बैठ गया अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं उनका रोल स्टार्ट हो गया ब्रिटिशर्स का रोल यहाँ से अच्छा वाला रोल स्टार्ट हो गया लेकिन वो मीर जाफर को अभी आगे रखा है इसीलिए कहीं कहीं पर इसे लिखा रहता है इनडायरेक्ट रोल इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया वो धीरे धीरे रूल करने लगी लग मीर जाफर को सिर्फ दिखा रखा है कि बेटा तू है तुझे पता है नहीं क्या था वो कि तू है लेकिन वो तुझे पता नहीं है लेकिन तू है ठीक है इसको सिर्फ आगे करा यहां पे इसका जस्ट उल्टा है मीर जाफर को लगता है कि मैं सब कुछ हूं लेकिन वो है नहीं ठीक है इसे पता नहीं है कि ये है ओके चलो गाइस तो इन डायरेक्ट रूल इन इंडिया में ब्रिटिश का यहां से स्टार्ट हो चुका है राइट अब यहां पे क्या होता है वो मीर जाफर को लेट मी चेक गाइस इज एवरीथिंग गोइंग फाइन और नॉट 12 1.7 ओके okay. जल्दी करना पड़ेगा तो ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट रोल यहाँ पे ब्रिटिशर्स का हो गया तो यहाँ पे इसके बाद वो मीर जाफर से काम करवाते रहते हैं ठीक है थीके? अब देखो यहाँ पे मेन चीज होती क्या है ना अगर ब्रिटिशर्स सीधे वहां पे रूल करने लग जाते क्या कोई उनकी बात मानता लोग तो सीधे हटा के उन्हें फेंक देते ब्रिटिशर बहुत तेज थे अंग्रेज लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे अगर वो डायरेक्ट वहां पे अपने आप बैठ जाते हैं रूल करने लोग उसी टाइम उन्हें उठा के फेंक देते लेकिन उन्हें चाला करी मीर जाफर एक को आगे देखा और इसे क्या चाहिए पैसे तो गद्दी चाहिए थी ये बैठ गया चुपचाप ठीक है तो अंग्रेज इसके 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 जरिए वो वहां पे उससे काम करवाने लगे टैक्स वैक्स लोगों से लूटने लगे अब यहाँ पे मीर जाफर हल्का फुल्का परेशान होने लग गया कि देखो वो मीर जाफर को कभी बोल दिया कि भाई ये काम करो लोगों से ये मांगो लोगों से ये करवाओ ये काम करो आज ये ऐसा कर दिया कल वो ऐसा कर दिया मीर जाफर कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आने लग गया इरिटेट वो होने लग गया ब्रिटिशर्स को ये चीज पता लग गई कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है हमारे लिए इन्होंने इसको हटा दिया ठीक है इन्होंने क्या कर दिया इसको हटा दिया और इसका जो बेटा होता है इसका जो बेटा होता है जो सा, इसका सन होता है जिसका नाम होता है आपका मीर कासिम ठीक है इसका नाम जो होता है मीर कासिम उसे वो गद्दी पे बैठा देते हैं क्या जाओ बेटा बैठ जाओ ठीक है आपके लिए गद्दी सजा दी बैठ जाओ मीर कासिम आता है लेकिन मीर कासिम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम करता है मीर कासिम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम करता है क्या काम करता है मीर कासिम यहाँ पे कि वो बोलता है ठीक है बेटा आओ अब हमारी बारी है ठीक है मीर कासिम क्या करता है मीर कासिम उस टाइम मैंने बोला कि जो डच लोग थे वो भी ब्रिटिश परेशान थे मतलब ब्रिटिश पहले ही अपना दबदबा बनाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो डच लोगों को परेशान करते थे कि तुम भी निकलो से वगैरह वगैरह तो डच लोगों ने बोला कि भाई देखो मीर कासिम बात ऐसी है ठीक है बात कैसी है कि हम अगर एक हो जाए ठीक है आपको भी ये ब्रिटिशर्स हटाने हैं मीर कासिम का वो ये सीन था कि उसे उन लोगों को हटाना होता था किन लोगों को जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें मीर कासिम को हटाना था मीर कासिम का एम ही वही था इसलिए उसने बोला ठीक है मैं गद्दी पे बैठ रहा हूँ की जगह लेकिन उसका एम क्या था कि इनको यहाँ से भगाना है राइट तो जो डच लोग आते हैं वो इससे कॉन्टेक्ट करते हैं मीर कासिम ठीक है ऐसी ऐसी बात है एक हो जाते हैं इनको हल्का फुल्का ऐसे भगा देते हैं तुम भी परेशान हो जाओगे हम भी परेशान हो जाएंगे इसलिए इनको पहले ही भगा दो मीर कासिम क्या करता है ये अब लोगों को बुलाने लग जाता है लोग को बुलाने लग जाता है क्या बुलाने लग जाता है एक तो ये जो वहां पे जो सिराज दौला था वो तो हट गया था उसके बाद जो वहां पे आया होगा हल्का फुल्का मतलब कोई रहा होगा ये कहीं और जगह का था बंगाल में बहुत उस टाइम उस बंगाल बहुत ही बड़ा था ठीक है ये अवध एक जगह है वहां पे अवध एक जगह है वहां का जो वहां पे नवाजया जो किंग रहा वहां पे सुजाव दौला वहां पे था ठीक है इ, ही मीर कासिम ने इसको बुला दिया प्लस उस टाइम जो मुगल एम्पायर था मैंने बोला मुगल एम्पायर कंटिन्यू चल रहा था लेकिन नाम का था बस ठीक है उसका नाम था आपका शाह आलम टू ठीक है शाह आलम टू वहां पे था प्लस वो और बुला लेता है और बुला लेता है वो किसको एक बलवंत सिंह होते हैं बलवंत सिंह ये अयोध्या के थे आई थिंक उस टाइम कुछ, कुछ रहे होंगे ये ठीक है तो वहां पे बलवंत सिंह थे सालम तो क्या था मुगल एम्पर था और सुजाव दौला अवध वहां के थे और ये अयोध्या के थे लिटिल बिट कॉन्फ्यूजा कि तक कुछ और था, देख लेना ठीक है तो so, यहाँ पर वो जरूरी नहीं है तो चलो मतलब तो, आप ब्रिटिशर्स को फोड़ के रखते हैं तो ये यहाँ चलेगी लड़ाई करने किसके साथ ब्रिटिशर्स के साथ लेकिन ब्रिटिशर्स आपको पता है पहले से पावरफुल थे इंटेलिजेंट थे उन्हें पता था कि हमें कब क्या करना है तो ये यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर से ब्रिटिशर्स

ब्रिटिशर्स के बीच होती है ब्रिटिशर्स यहाँ पे आपके जीत जाते हैं ठीक है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं और यहाँ पे इस टाइम जो रहता है मतलब जो ब्रिटिशर्स इनको हराते हैं उसका नाम रहता है हेक्टर मुनरो इसके अंडर में ठीक है इसके कमांडेंट ने वो क्या करते हैं वहां पे उनको अच्छे से हरा देते हैं ठीक है उनको वो अच्छे से वहां पे हरा देते हैं राइट तो यहाँ पे आपको दिख गया कि हेक्टर मुंड्रो ने वो कर दिया अब यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं इन्होंने देखा यार कि हमने मीर जाफर को रखा वो परेशान कर रहा है हमें हो भी रहा है परेशान मीर कासिम को रखा उसने तो वहां सबको बुला दिया मारने आ गया सीधे सीधे है ना थोड़ी उसको गद्दी दी थी वो वो हमें लपेटे जा रहा है ठीक है इन्होंने बोला भाई इस बार तो हम जीत के अब हम वो गलती नहीं करेंगे अब हम वो गलती नहीं करेंगे ठीक है वो क्या करते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम आ जाओ क्या करते हैं वो उन्होंने बोला तुम आ जाओ नहीं उन्होंने बोला अब हम इन नवाब का चक्कर यहाँ से खत्म कर देंगे अभी जो मीर कासिम मीर जाफर को बिठा रहे थे ना कि अब इनको हटा दो पीछे अब हम यहाँ पे अपने आप बैठेंगे तो जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्या आपने सुना होगा गवर्नर गवर्नर ठीक है कि अब हम यहाँ से अप, अपना बैठाएंगे सीधे सीधे अपना आप बैठ बैठ जाएंगे जिसे हम कहेंगे क्या गवर्नर हम इसे कह देंगे ठीक है तो यहां से इनका डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया यहाँ से इनका क्या हो गया डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया किसका गवर्नर फर्स्ट जो यहाँ पे जो जो फर्स्ट गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव याद रखना इस चीज को रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव ठीक है उन्होंने बोला देखो बंगाल में उन्होंने बोला अब सीधे सीधे हम बैठ जाएंगे गद्दी पे पहले हम इनको बिठा रहे थे इनको हटा दो यहां से सीधे सीधे हम बैठ जाएंगे हम अपना रूल कर लेंगे ठीक है गाइज तो यहाँ पे अब वो अपना रूल कर देंगे अब वो दबा के टैक्स लगाते जैसा आपने एक राइट होता है जिसे हम दीवानी राइट कहते हैं दीवानी राइट कहते हैं ठीक है उसमें लोगों से टैक्स वैक्स लेने का राइट मिल जाता है अब जब ब्रिटिश हर से खुद यहाँ पे गवर्नमेंट आ गए तो ऑब्वियसली वो सीधे टैक्स वैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे तो इसके बाद के नेक्स्ट क्लास आगे हो जाएगी ठीक है आगे हम उसको कर लेंगे यहां तक आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर लाइन पे क्वेश्चन है बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आइज पढ़ो स्टोरी वाइज पढ़ो चीज आपको क्लियर हो जाएगी एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता ठीक है हिस्ट्री पढ़ने का ठीक है बाकी कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताया करो प्रीवियस लेक्चर देख लें सीक्वेंस से चाहे कोई भी एग्जाम हो इसलिए मैंने पूरा एम से करवा रखा था जबकि आप एप, आपके पास डेली सल्तनत से है ना मेनली जो एग्जाम में पूछा है आपके लेवल का लेकिन मैंने बोला पूरा आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा हिस्ट्री का कि क्या क्या होता था ठीक है तो गाइज अच्छे से पढ़ो यहाँ पे अब लड़ाई होने वाली है ठीक है लड़ाई तो चल चलती रहती है आप लोग वेट कर रहे होंगे रिवोल्ट का कि सर रिवोल्ट कब होगा देखो गायवनटीन सिक्सटी फोर पे है, अभी हम 1764 में है हमें अठारह सौ सत्तावन तक जाना है अठारह सौ सत्तावन की क्रांति तक हमें जाना है ठीक है विद्रोह तक हमें वहां जाना है उसके बाद होंगे वहां लड़ाई खतरनाक की लड़ाई होगी अभी लोग चुप है एक लिमिट होती है हर किसी के टॉलरेट करने की सहन करने की उसके बाद वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फूट जाएंगे जो कि अठारह में होगा कोई भी डाउट होगा पूछ लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ नए गवर्नर के साथ नए बैटल के साथ सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बी हैप्पी एंड यस जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं